बहुत सारी किताबें मेरी आज भी याद है, राजस्थान दर्पण थी, शायद एक लुसेंट थी, ये बुक्स मेरे को पता ही नहीं कि मैंने कितनी कितनी बार पढ़ी होगी, फिर पता ही नहीं लगता था आधा पूरा घंटा उसी पेज पे बैठी हूँ मैं, आगे पेज पलटा ही नहीं जाता था क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में शायद नींद होती है। आपसे बात करनी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं मेरा मोबाइल नंबर दूँ। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, आज का वीडियो है, वो है अपना पढ़ाई के ऊपर है, पढ़ाई के टाइम के बारे में कि पढ़ाई का टाइम क्या रखें। और इस पे कमेंट्स भी आए हुए हैं कि पढ़ने का टाइम बताओ हमें, थोड़ा सा बताओ कि ताकि हमें याद रहे। तो वैसे तो आज जो 5 जनवरी का वीडियो आपके पास किया, आज 5 की है, 6 है ना बेटा? आज आज जो 6 जनवरी का वीडियो गया है आपके पास, उसमें मैंने मम्मी के साथ, मम्मी मतलब अनप्लान्ड ही आए थे, कोई मम्मी की प्लानिंग नहीं थी आने की, और आए वो वीडियो बना दिया टाइम का थोड़ा सा। तो मैंने बता ही दिया कि ये है कि हमें अपनी जो सारी ड्यूटी जिम्मेदारियां वो भी निभानी पड़ती है, और जितना टाइम मिले तो उस टाइम को ही मतलब कंज्यूम करके हम पढ़ सकते हैं, खुला टाइम नहीं होता एक मदर के पास, ठीक है। चलो हमारे घर में ये था, अभी पशु नहीं है, पर अगर चाहे पशु हो, जने कम है ज़्यादा है, पर काम तो रहता ही है लेडीज के लिए घर का, तो काम करके टाइम निकाल के फिर ही पढ़ सकते हैं। पर मेरा पढ़ने का थोड़ा सा मैं दो तीन जरूरी चीजें हैं, हालांकि इस टॉपिक में मैं बोलूँ तो पता नहीं 3-4 घंटे ही बोल सकती हूँ, क्योंकि हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहा और हमेशा एक जैसी पढ़ाई भी नहीं रही। जब मैं 8वीं क्लास में थी तो मैं पूरी रात पढ़ने की मेरी आदत थी, और नींद टचूट मैं अच्छी निकाल लेती हूँ, नींद में मैं थोड़ी पक्की हूँ नींद निकालने में, तो 8वीं में भी मैं पूरी रात पढ़ती थी। और उसके बाद +2 BA, तो BA में अपना ये रहता है कि अपना सिलेबस फिक्स रहता है कि इसी में से एग्ज़ाम आना है, तो मेरी आदत ये होती थी शाम को पढ़ना, सुबह रिवीजन करना, चाहे सुबह किसी टाइम फर्स्ट पारी सेकंड पारी थर्ड पारी में एग्ज़ाम होता था तो रिवीजन करके और जाना एग्ज़ाम दे के आना। और इसके बाद BA के बाद क्या हुआ, BEd और कंपटीशन एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए मैंने, बहुत सारे। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में अपने को पता ही है कि सिलेबस फिक्स नहीं रहता, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक काम करती है जहाँ तक मेरा मानना है, वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। आप रिवीजन कर सकते हो, जितनी कर सकते हो करो, ये नहीं हो सकता कि आप मतलब एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, कोई ट्रिक लगा लो उससे आपको याद रह जाएगा। ट्रिक आप लगा सकते हो, कोई ईयर याद करने हैं, और जैसे नाम याद करने हैं, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, आगे ऐसे मतलब आप कहानी सी बना के याद कर सकते हो, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो सिर्फ आपको बारी बारी रिवीजन करने से ही याद रहेगी। बहुत सारी किताबें मेरी आज भी याद है, राजस्थान दर्पण थी, शायद एक लुसेंट थी, ये बुक्स मेरे को पता ही नहीं कि मैंने कितनी कितनी बार पढ़ी होगी। और चाहे एग्ज़ाम होता था कोई दिया हुआ, मतलब फॉर्म भरा हुआ, चाहे एग्ज़ाम ना हो, तो ये भी रिविज़न करना आदत थी मेरी। और बैंक में आने के बाद भी क्या हुआ कि JIB CIB के एग्ज़ाम होते हैं, JIB के जो बैंक में जिनके हैं या जो है वो जानते होंगे, तो आने के बाद भी ना एक बार मेरे को किसी ने कहा कि एग्ज़ाम क्लियर करके दिखा देना, एक गट्टा मतलब थैला होता है ना वो बुक्स दे देंगे आपको, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। पर मैंने JIB एक बार में, CIB दो बार में कम्प्लीट की, और तब भी मैं पूरा पूरा रात पढ़ के, और आप मानोगे नहीं, जब मैंने CIB की तब क्या था कि नोटबंदी थी, नोटबंदी दिसंबर में ख़त्म हुई, जनवरी में एग्ज़ाम था, और तब मैं साथ में बुक्स लेके जाती थी कि मैंने 50 मैकमिलन की बुक्स आती है, काफ़ी भारी बुक्स है, वो हैवी बुक्स हैं, और भी 50 पेज मैंने रोज़ पढ़नी है, ये मेरा टारगेट होता था। हालांकि मैं टारगेट से पीछे रह जाती थी क्योंकि बैंक में काम इतना और घर पर भी आके देखना, पर टारगेट ऐसे रहता था कि वीक में या वो पूरा 50 वाला है वो पूरा करना ही है। तो ये है भी थोड़ा सा तो आपको मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनके कितना हमने करना ही है, रिवीजन करनी है, तब जाके मतलब आप कुछ कर पाओगे। शेड्यूल आप इतना ही फिक्स बना सकते हो कि आज हमने इतने पेज पढ़ने हैं, ये बुक्स हमने पढ़ना शुरू किए, इतने दिन में पढ़ देनी है, या जो ईयर याद करनी है, इंग्लिश की स्पेलिंग्स वगैरह याद करनी है, तो वो हमने 5 या 10 रोज की याद करनी है, वो शेड्यूल बना सकते हो। बाकी टाइमिंग का फिक्स तो मैं कुछ नहीं कह सकती, हाँ मेरा सिर्फ और सिर्फ रात का पढ़ने का ही ज़्यादा था, मैं पूरी रात पढ़ सकती थी आराम से पढ़ती थी पूरी रात, और दिन में अगर मैं 2-3 घंटे मतलब रेस्ट हो जाता था, मेरे को ऐसे लगता था पूरी रात की नींद कवर होगी, तो एग्ज़ाम के दिनों में मैं बहुत पूरी रात पढ़ा करती थी, और वैसे भी रात को मैं बहुत पढ़ती थी। तो मेनली मेरा तो रात का पढ़ने का ही है कि रात को पढ़ो तो आपके शायद अच्छा याद रहेगा, मेरे हिसाब तो ऐसा ही होता है, क्योंकि सुबह तो ये होता है कि पूरी आँखें भी नहीं खुली होती,
और मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे होता था कि सुबह अगर मैं उठ के पढ़ने लगी तो एक पेज पे पता ही नहीं लगता था, आधा पूरा घंटा उसी पेज पे बैठी हूँ मैं, आगे पेज पलटा ही नहीं जाता था क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में शायद नींद होती है। वो तो अपना अपना हिसाब किताब है देखो। बाकी आप पढ़ते हो तो दिन में भी ऐसी बात नहीं है कि नींद नहीं आती, आलस नहीं आता, खड़े हो जाओ, मुंह धो लो, सबसे बेस्ट तरीका है। आप कह दो ना चाय नहीं, सबसे बेस्ट तरीका है ठंडे पानी से मुंह धो, आपको नींद नहीं आएगी। और नींद और आलस तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, फिर ही पढ़ पाओगे आप। और रही बात मोबाइल नंबर की, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके, बहुत सारे कि हमने आपसे बात करनी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं मेरा मोबाइल नंबर दूँ, पर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे यूट्यूब, सर्दियों के दिन है, छोटे दिन है, गर्मियों में मैं जुलाई से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, तो गर्मियों में मेरे पास शाम को एक डेढ़ घंटा मैं टाइम लगा लेती थी यूट्यूब के लिए, पर अब नहीं निकल पाता, अब सीधा सारा काम लगभग रात को ही होता है। और सच्ची आप मानोगे नहीं, आपके कमेंट्स आते हैं ना, मैं इतना मतलब रिस्पेक्ट से रिप्लाई करती हूँ सभी कमेंट्स का, टाइम लगा के। ये नहीं है कि आपने कमेंट किया मैंने टिक किया, आपने कमेंट किया मैंने टिक किया, नहीं, मतलब प्रॉपर रिप्लाई होना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं आपको मोबाइल नंबर दूँ ना, तो मतलब प्रॉपर अपनी बातचीत भी हो, आप अगर मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो मतलब उतना टाइम निकल पाए, हम बात कर पाए। अगर आप मैसेज करते हो तो मैं मैसेज देख पाऊँ, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा रुक के थोड़े से दिन सही हो जाए, थोड़े से दिन बड़े हो जाए, तब मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगी, ज़रूर दूंगी साथ में। और चाहे एक दिन वीडियो ना ही डालें अपने, बातचीत करेंगे सारा, मतलब ये नहीं है कि मोबाइल नंबर दे के एक फॉर्मेलिटी कर दी, दो चार पाँच सात दिन बाद वो नंबर बंद कर दिया और देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नंबर दे तो उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर के लिए मैं आपको ये कहूँगी, अगर ज़्यादा आपको लगता है तो मेरी जिंदगी मेरे विचार @gmail.com मेरी ईमेल आईडी है, उस पर आप मेरे को मेल कर दो तो मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ आपसे। अदरवाइज मोबाइल नंबर थोड़ा सा एक डेढ़ महीना रुक के मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में दो ही बातें हैं, एक तो मैंने पढ़ाई के बारे में बता दिया कि देखो अगर पढ़ना चाहते हो, कमेंट्स भी आ रहे हैं कैसे पढ़े, तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके रिवीजन ही काम आएगी, रिवीजन जब भी जितना भी टाइम मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपने कोई एग्जाम मतलब फिल किया हुआ है तब भी पढ़ रहे हो, आप रूटीन बना लो कि हमने पढ़ने ही पढ़ने, इतने पेज कुछ ही हो जाए, कोई बुक्स लगा ली उसको मैंने इतने दिनों में पूरा करना है, और शेड्यूल बन जाएगा धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है नहीं बनेगा। और दूसरा मैंने मोबाइल नंबर का बता दिया कि थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, प्लीज़ आप उसको समझना, जरूर मोबाइल नंबर देंगे, जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे, बातें करेंगे, और जिस तरह मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ उसी तरह मैं आपके फ़ोन का भी रिप्लाई करूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, कोविड फिर से आ गया है, प्लीज़ थोड़े से मतलब सेफ्टी है वो फिर से अपनाने शुरू कर दें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।